hello everyone i am Govind lohia and today we are going to see expression for pressure volume work okay so uh, before that we have seen so many uh, concept in the chapter like definitions of uh, what is the thermodynamics what is the system and surrounding and uh, all these things today we are going to see the expression for pressure and volume in this particular expression what we are going to see कैमरा पार्ट सो एक्सप्रेशन फॉर पी वी लेट कंसिडर अं सिलेंडर जो सिलेंडर हम लोग बात कर रहे हैं इसको एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन हमने लगाया है ठीक है ये हम लोग सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन के साथ फिट किया है ये इनिशियल पोजिशन थी सिलेंडर की ये फाइनल पोजीशन है सिलेंडर की तो ये जो डिस्टेंस मूव हुआ है ये हुआ है, ये इनिशियल वॉल्यूम वॉल्यूम था ये V2 था फाइनल है ना अब क्या होता है कि इसमें गैस भरा हुआ है तो गैस भी एक प्रेशर एग्ज करता है और गैस का प्रेशर बिल्कुल किसके अपोजिट है तो हम लोग बोलेंगे उसके साथ जो बाहर से लग रहा है उस प्रेशर के बिल्कुल अपोजिट है और गैस का प्रेशर अपोजिट है इसलिए हम लोग माइनस साइन लगा रहे हैं ठीक है थीके? तो पी इंटरनल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल ओके सो हम लोग यहां पे पी इंटरनल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल के बारे में लगा रहे हैं नाउ कम टू दिस पार्ट अब हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं कि ये इक्वेशन में हमने लिखा था W इज इक्वल टू प्रेशर इन टू वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन है ना में नाउ हम लोग थर्मोडाइना और एक चीज करते हैं कि जब मैंने बात की थी आपको कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया या अगर आपको बात करना है यहाँ पे तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया ये भी हम लोग लिख सकते हैं है ना तो ये इक्वेशन था हमारा इसके अलावा आपको याद होगा तो मैंने ये इक्वेशन लिखा था W इज इक्वल टू एफ इन टू डी वेरी फर्स्ट इक्वेशन दैट मीन्स वर्क कब होगा जब आप किसी चीज को फोर्स लगाओगे और उस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो कैन आई पुट दिस वैल्यू ऑफ ओवर हियर वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर W इज इक्वल टू ये P एक्सटर्नल ले लेते ले हैं ले हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहां पर P एक्सटर्नल और ये जो d इंटू ए है d इंटू दैट मीन्स अगर मैं इसको बात करूं तो ये वॉल्यूम हो गया है ना सो वॉल्यूम इन शॉर्ट चेंज इन वॉल्यूम सो w इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल अगर यहां बात करूं v2 टू माइनस वी ओके तो ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ है ना तो so, हमने प्रेशर कौन सा लिया जो अपोजिंग प्रेशर है वो बिल्कुल किसके जैसा है तो इंटरनल प्रेशर जितना है पी इंटरनल इक्वल एंड अपोजिट अब क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम वी वन था वी वन से वी टू हुआ दैट मीन्स यहां पे इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ मतलब ये जो आंसर है ये आंसर रहेगा पॉजिटिव में सो ओवरऑल डब्ल्यू का आंसर जो है ये नेगेटिव है इफ द आंसर इज नेगेटिव देन यू कैन सिंपली से दैट कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज डन बाय सिस्टम एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर ये यहाँ के बजाय नीचे अगर आ जाता है यानी गैस कॉम्प्रेस होता है तो आपका V2 टू होता था अब V2 टू यहां मतलब ये आंसर नेगेटिव क्योंकि ये कम हो गया तो आंसर विल बी ए नेगेटिव वैल्यू तो ये नेगेटिव और ये सामने वाला नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम पॉजिटिव एट दैट टाइम W बिकम पॉजिटिव एंड यू कैन सिंपली से दैट वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम

तो मैं यहां पर फिर से आते हैं हम लोग फ्री एक्सपेंशन के साथ फ्री एक्सपेंशन क्या समझाता है आपको कि अगर हम लोग कोई चीज जैसे मैं आपको बोल रहा कि एक काम करना है आपको हम लोग बोलते हैं कि एक काम करना है अब वो काम क्या है वो समझा देता हूं मैं आपको कि ये चीज उठाकर या बाजार से आपको सब्जी उठाकर यहां तक लेके आना है ठीक है बाजार से आपको सब्जी उठाकर यहां तक लेके आना है या कोई सामान उठा के आपको यहां तक लेके आना है सो so, आपको कुछ एनर्जी लगेंगी उसके लिए यस yes, श्योर sure, आपको एनर्जी लगेगी बिकॉज आपको सामान उठाना है मगर अगर मैंने आपको बताया कि नहीं मैं जो बैग आपको दे रहा हूं दैट बैग इज इनफ कैपेबल कि वो खुद का लोड खुद उठा के लेके आ सकती है आपको उसको टच भी नहीं करना है वो बैग चल रही है आपके साथ साथ या Uh, उसमें हमने वो ड्रोन जैसा कुछ लगा दिया है आपको उसको सिर्फ पकड़ के रखना है या जो भी है बट विदाउट एनी एनर्जी आपने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर एंड वो सिर्फ आपके साथ आ रही है नो फोर्स सो यू कैन यू कैन से दैट कि वहां पर वर्क हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग इसको बात करेंगे कि वर्क नहीं हुआ है ओके सो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि अगर ये वापस से यह हमारा सिलेंडर है ये सिलेंडर यहाँ पे रखा और ये पूरा की पूरा सिस्टम हमने एक वैक्यूम चेम्बर में रखा पूरा की पूरा सिस्टम इसको वैक्यूम लगाया है और इतना हाई वैक्यूम है इसको लगा हुआ कि अब बाहर का प्रेशर जीरो है कितना जीरो कौन सा पी एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो अब ये गैस को एक्सपांशन होने के लिए सही में काम करना पड़ेगा क्या नहीं क्योंकि बाहर तो जीरो है अपने आप ये पिस्टन ऊपर जाने वाला है गैस अपने आप एक्सपांड होने वाला है तो आपका फॉर्मूला क्या बना W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू डेल्टा वी डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज हुआ नो डाउट वी टू और वी वन सब कुछ चेंज हुआ मगर पी एक्सटर्नल कितना है जीरो क्योंकि है ही नहीं तो हम लोग क्या बात करेंगे डब्ल्यू यानी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो जब तक आपके पास इक्वल अपोजिंग फोर्स नहीं होगा या आपको कोई चीज यहां रेजिस्ट नहीं करेंगे तब तक काम हुआ ये हम लोग बोलेंगे ही नहीं सो दिस इज फ्री दिसन तो फ्री इज इज ऑलवेज ऑलवेज इन इन अ अ वैक्यूम वैक्यूम फ्री व्हेन वी टॉक अबाउट इट जहां पे बाहर का प्रेशर क्या रहेगा पी एक्सटर्नल जीरो रहेगा फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ सिस्टम पी एक्सटर्नल जीरो रहेगा तो डब्ल्यू इज अल्टीमेटली बिकम जीरो नाउ कम टू द बुक पार्ट हम लोग फिर से इसको यहाँ पे देख लेते हैं फ्री एक्सपांशन

यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क ठीक है अब ये एनर्जी और वर्क को इंटरकन्वर्जन यूनिट्स में लेके दिया है उन्होंने कि इतनी एनर्जी खर्चा हुई तो इतना वर्क है या इतनी एनर्जी या नहीं इतना वर्क तब जाके हम लोग इसको कोर्डिलेट कर रहे हैं अब मुझे बताओ कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी सही है अब एफ का फॉर्मूला आपको एफ मतलब फोर्स फोर्स का ऐसा यूनिट आपको मालूम है न्यूटन डिस्टेंस का मीटर और अगर आपको इसको और न्यूटन को बाय फॉरगेट करना है तो यू कैन किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स और ये मल्टीप्लाइड बाय मीटर है ऑलरेडी यानी अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बना आपका ये वाला यूनिट ये बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स कौन सा डब्ल्यू का ठीक है और W हम लोग यूजली किसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो वन जूल तो अब आपका इक्वेशन क्या बना वन जूल इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ठीक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड यानी वन जूल का अगर मुझे कन्वर्जन करना है तो ठीक है अब दूसरे वे में आपने यहां पर बात की थी कि कैन आई से दैट कि ये प्रेशर ये जो फोर्स है इसको मैं ऐसे लिखू आ, फोर्स पर यूनिट एरिया स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अगर मुझे बात करना है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया है ना फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया हम लोग यहाँ रख सकते हैं तो क्या होगा यहाँ पर अल्टीमेट uh, इक्वेशन यही इक्वेशन है ना अब आपका न्यूटन तो हट गया पिक्चर से अब प्रेशर प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग लो? पास्कल में ठीक है एरिया किस में मेजर करते हैं हम लोग मीटर स्क्वेयर में ठीक है तो ये हो गया फोर्स की कीमत किसकी किस कीमत फोर्स की अब ये फोर्स की कीमत मैं यहां लिख दू क्या इसके अंदर इक्वेशन में तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पास्कल इन टू मीटर स्क्वेयर इंटू ये डी जो कि मीटर में है तो क्या हुआ ये पास्कल मीटर क्यू तो ये हो गया आ, W यानी अगर मैं यहां और इस, इसको अच्छे से लिखू तो वन जूल W इज इक्वल टू वन जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वेर सेकंड का हम लोग माइनस टू लगाएंगे इज इक्वल टू पी ए मीटर क्यूब तो ये हमारा W का बना ठीक है वन जूल के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं और दूसरे वे में कि जैसे मुझे अभी पास्कल के लिए निकालना है तो कैन आई डू दिस यस वन पास्कल तो ये मीटर क्यूब इधर लेके आ जाओ इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वेयर सेकंड का दो ये यम क्यूब नीचे आ जाएगा और अल्टीमेट इक्वेशन बिकम्स आपका अल्टीमेट इक्वेशन क्या है ये बताते हैं वन पी ए इज इक्वल टू हम लोग इसको लिखते हैं किलोग्राम ये मीटर स्क्वेयर और ये ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा एम माइनस वन और यहां पे एस टू दी पावर माइनस टू दिस इज इन टर्म्स ऑफ पास्कल एक इक्वेशन था मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग डब्ल्यू को ले रहे थे वो था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है ना अब डेल्टा वी को या मैं वॉल्यूम को अगर मैं बात करू आपको किताब में जो भी वॉल्यूम रहेगा आर दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एम एल आइदर दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब आइर दे आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डेसी मीटर क्यूब आई इन मीटर क्यूब तो हम लोग ऐसा यूनिट में जब बात करेंगे वी आर नीड टू डील्स विद द मीटर क्यूब ओनली वो एम में भी हो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो या डेसीमीटर क्यूब में भी हो तो हम लोग ये दो यूनिट में ही कैलकुलेट करेंगे डेसीमीटर और मीटर क्यूब के ही इसमें आपको कैलकुलेशन करना है तो यही मैं आपको समझा दू जिनको नई ध्यान में है उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ लिख के रख लो बेटा वन एम इज इक्विवेलेंट टू वन सेंटीमीटर क्यूब ध्यान में रखना तो आपको सेंटीमीटर क्यूब का एम में और एम का सेंटीमीटर क्यूब में किसी भी टाइम पे कन्वर्ट करते आएगा ये सबसे ये जो कुछ चीजें ना कन्वर्जन की आपके बुक के पीछे में या कॉपी के सबसे सामने पेज पे लिख के रख देना हर बार काम गिरता है इसका ठीक है वन एम एल इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर क्यूब या दूसरे वे में अगर मुझे बात करना है यहां पर वन मीटर इज इक्वल टू टेन डेसी है ना वन मीटर इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं टेन डेसीमीटर या वन मीटर इज इक्वल टू टेन डी एम ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अब मुझे बताओ मैं अगर इसका क्यूब कर दू वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड डेसी मीटर क्यूब सही है तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है क्यूब करने के बाद या दूसरे वे में डीएम क्यूब इज इक्वल टू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर क्यूब ध्यान में रखो ये सिर्फ इधर लेके आ गए तो डीएम क्यूब इज इक्वल टू ये थाउजेंड नीचे चले जाएंगा तो थाउजेंड को हम लोगों को ऊपर ले जाना है तो टेन टू दी पावर माइनस थ्री करना पड़ेगा तो ये कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में से एक कन्वर्जेंस है आपके सामने जो कि किताब में डायरेक्ट किया हुआ है हम लोग यहां तक पहुंच गए ठीक है तो अब हम लोग यहां तक पहुंचे अब आगे वाला पार्ट मैं आपको समझाता हूं क्या है प्रेशर दिया रहेगा आपको बार में ठीक है तो वन बार इज इक्वल टू हाउ मच वन बार इज इक्वल टू टेन टू दी पावर फाइव पास्कल ये एक प्रेशर का कन्वर्जन है बार इज इक्वल टू टू पास्कल ये आपको ध्यान में रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है पास्कल का कन्वर्जन हमने यहाँ पर करके देखा था अभी वापस हम लोग देखते हैं कि ये देखो यहाँ लिखा है हमने कि वन पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकंड का माइनस हमने किया यही यहाँ पी के जगह पीए के जगह वही कीमत डाल के रख देते हैं दैट मीनस हम लोग क्या बोलेंगे इसको टेन टू दी पावर फाइव किलोग्राम मीटर रेस टू पावर माइनस वन सेकेंड रेस टू पावर माइनस टू दैट इज अनादर तो ये यहां तक तो हम लोग पहुंच गए आसानी से वन बार इज इक्वल टू टेन टू दी पावर फाइव ठीक है अब क्या है यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में डीएम बार या और कुछ ऐसे दिया है सिलेक्ट से कंसिडर वन डीएम बार ठीक है वन डेसीमीटर क्यूब बार ये दिया है प्रेशर अब इसको आपको क्या करना है यही जगह पे हम लोग लगाएंगे कुछ नहीं करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे डीएम क्यूब इन टू टेन टू दी पावर फाइव ये लिख दिया हमने पास्कल के जगह आप ये भी यूनिट लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ये लगाना होगा तो ठीक है अब क्या करना है मैंने आपको क्लियर समझाया कि हमको इसको मीटर क्यूब में लिखना मैंडेटरी है जब तक हम लोग मीटर क्यूब में नहीं लिखेंगे तब तक काम होगा नहीं तो हमको क्या करना है यहाँ पे मीटर क्यूब में करते वक्त सिंपल सी बात है हम लोग मीटर क्यूब की वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे आपने लिखा कि टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब हम लोग लगा सकते हैं सर यहाँ पर जस्ट आप यहाँ लिख दो टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब इंटू टेन टू पावर फाइव किलोग्राम मीटर इनवर्स हम लोग सेकंड का पावर माइनस टू ले लेते लिख दिया हमने और कुछ नहीं किया टेन टू दी पावर माइनस थ्री में से टेन टू दी पावर ये हम लोग कर देते हैं तो क्या बनेगा टेन टू दी पावर टू ये मीटर क्यूब है ये क्यूब हट गया और यहाँ हम लोगों के पास क्या है ये माइनस वन है ये भी हटा देते हैं तो ये थ्री और माइनस वन यानी यहां पे क्या बचा आपके पास किलोग्राम एज इट इज यम का स्क्वेयर एस माइनस टू अब ये इक्वेशन देखो ये वाला जो आपके सामने है और यहां पर मैंने एक लिखा था आप देखो ये वाला किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड माइनस टू ठीक है सेम यहां पर आप देखो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड माइनस टू तो टेन टू दावर टू को आप हंड्रेड ले सकते हो ठीक है और ये इक्वेशन मतलब ये यानी जूल ठीक है दैट मींस आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वन ये हंड्रेड जूल यानी क्या हो गया आपके पास वन बार इज इक्वल टू वन बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल इज इक्वल टू टेन टू दावर फाइव पास कन्वर्जन आपका काम का कन्वर्जन हमने लिख दिया यहां पर इज इक्वल टू हंड्रेड जूल इज इक्वल टू टेन टू दी पावर फाइव पी ए अगर मैं और अच्छे से लिखू इसको तो ये भी डाल सकते हो वन बार इज इक्वल टू वन डीएम क्यूब बार जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहां हमने उसको इक्वेशन में निकाला एंड दिस वन इज द कन्वर्जन अब ये कन्वर्जेंस आपको यूज करना है कैलकुलेशन में दैट मीन्स अगर आपको वैल्यूज अगर किसी और में दी है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इट फर्स्ट इन टू रिक्वायर्ड वैल्यू और फिर उसके बाद में हम लोग काम कर सकते हैं तब तक नहीं ठीक है तो आपको ध्यान में रखने वाली चीज क्या है वन बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल ये सबसे इंपॉर्टेंट वन बार इज इक्वल टू टेन टू दावर फाइव पासकल या वन जूल इज इक्वल टू वन जूल इज ये देखो वन जूल इज इक्वल टू टेन टू पावर फाइव है ना तो ये हम लोग ये इस साइड में चले गया तो हम लोग बोलेंगे टेन टू दावर थ्री पी ए ये ये चीजें आप ध्यान में रखो बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं आपको हर जगह कैलकुलेशन में काम आएंगी तो इतना पेज अगर आप लिख के रख दो और आपको समझ में आ जाएगा दैट विल बी मोर देन इनफ ठीक है तो हम लोग यहां से आगे सीधा कैलकुलेशन पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं एक कैलकुलेशन पहले ठीक है सो कम टू दैलकुलेशन पार्ट तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे दिस इज द कैलकुलेशन थ्री ये मैं सिर्फ इसको एंसर को सब्सक्राइब नीचे रख देते हैं। हम लोग यहां देखते है होप फुली इट इज विजिबल टू यू हम लोग यहां देख रहे हैं थ्री मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अब उन्होंने क्या बोला है यन यन इज इक्वल टू थ्री मोल अब हमको यन का कहा काम गिरेगा तो ठीक नहीं तो हम लोग यूज नहीं करेंगे ठीक है आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम फिफ्टीन दैट मीन्स वी वन दिया है फिफ्टीन डीएम क्यू ठीक है टू वी टू दिया है ट्वेंटी डीएम क्यू ठीक है आपको दे दिया ये एक्सटर्नल प्रेशर दिया है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू आपको दिया है 1.2 पॉइंट टू बार आ गए आपके पास 1.2 पॉइंट टू बार आपको पूछा गया है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब एंड बार तो आपको पूछा गया है कि डीएम क्यूब में निकाल के बताओ एंड बार में भी निकाल के बताओ ठीक है दैट मीन्स सॉरी डीएम क्यूब एंड जूल्स इसमें आपको निकालने बताया कुछ नहीं आपको फॉर्मूला ये सब चीजें दी है आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन पास P एक्सटर्नल दिया, दिया है आपके पास यहाँ पर हम लोग अगर बात करें और ये कितना दिया है V2 V2 दिया है आपके पास 20 और V1 दिया है 15. प्लस जस्ट पुट दी वैल्यूज आपको मालूम है यहाँ 1.2 पॉइंट टू जो uh, भी आंसर आपका आएगा इट इज सिक्स है ना तो सिक्स बार है आपके पास आ, हम लोग अगर बात करेंगे सॉरी यहाँ पर ये आंसर तो मिला सिक्स ठीक है तो व्हाट एवर एनर्जी क्योंकि हम लोग ये वैल्यूज ले रहे हैं डीएम क्यूब में सो नाउ द आंसर बिकम्स इन डीएम क्यूब आपको मिल गया सिक्स अब यहां पर फिर से मैं आपको पुराना वाला एक कैलकुलेशन बताता हूं यहां पर आप यहां देखो कि वन बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल्स तो जो भी हमारा आंसर मिलने वाला था यहां पर जो आंसर मुझे मिला W इज इक्वल टू सिक्स के हिसाब से हम लोग अगर यहां चलते हैं तो ये मुझे मिल गया 6 DM cube bar. अब आपको मालूम है कि वन डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल्स तो मल्टी अब अगर आपको जूल्स में चाहिए अगर वन होता तो हंड्रेड सिक्स है तो सिक्स हंड्रेड जूल्स तो वर्क इन जूल्स इज सिक्स हंड्रेड जूल्स अगर आपको यहाँ पर इज दिस विजिबल टू यू आपको दिख नहीं रहा था ना डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन पी एक्सटर्नल कितना दिया है वन पॉइंट टू बार ठीक है V2 कितना है ट्वेंटी वी वन फिफ्टी डीएम क्यूब में हमने वो वैल्यूज डाल दी वन पॉइंट टू इंटू फाइव सिक्स तो W इज इक्वल टू सिक्स डीएम क्यूब बार और आपको ये हम लोग पीछे के पेज पे देखा है वन डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू हंड्रेड Jules. ये आपको पता है अगर वन डीएम टू हंड्रेड जूल सो सिक्स डीएम टू हाउ मच जूल अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तो है ना इन तो ये हंड्रेड मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो आप जैसे या तो सिंपल वन इज इक्वल टू हंड्रेड तो सिक्स सिक्स इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए ये है वन इज इक्वल टू हंड्रेड सिक्स इज इक्वल टू हाउ मच डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू वन इन टू क्वेश्चन मार्क सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड जूल सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इस वे से आप इसको निकाल सकते हो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम तो ये हमने निकाल के बता दिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से एम बार एंड डीएम क्यूब बार एंड जूल तो ये हमने किया नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है ये वाला ये देखो कैलकुलेट दस्टेंट यहां पर हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट दी कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट मीन आपको पी एक्सटर्नल पूछा है टू कॉम्प्रेस टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम ट्वेंटी फाइव क्यूब टू थर्टीन डीएम क्यूब यानी अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है और आपके पास चीजें क्या है वो भी मैं देख लेता हूं फोर एट सिक्स टू पॉइंट फोर जूल सी आपको एनर्जी uh, वर्क uh, दिया है तो uh, हमको पी एक्सटर्नल कैलकुलेट करना है लेट्स कम टू दी दिस पार्ट आपको क्या क्या दिया है आपको निकालना है पी एक्सटर्नल ये आपको निकालना है ठीक है आपको दिया है डब्ल्यू डब्ल्यू दिया है फोर एट मी चेक अगेन फोर एट सिक्स टू पॉइंट फोर जूल फोर एट सिक्स टू पॉइंट फोर जूल आपको दिया है वी वन और आपको दिया है वी टू वी वन आपको दिया है यहां पर सो वी वन इज गिवन ट्वेंटी फाइव एंड वी टू इज गिवन थर्टीन अब आपको फॉर्मूला तो हमको लगाना है मगर सबसे पहले यहां पर एक बात देखना जरूरी है आपको डब्ल्यू दिया है जूल्स के अंदर ठीक है और प्रेशर जो दिए है आपको आप एक बार चेक कर लो कि प्रेशर किस में दिए so, है सो प्रेशर दिए है डीएम क्यूब में सो यू हैव टू कन्वर्ट आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर ये जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डीएम क्यूब बार में तब तक के आप इसको इक्वेशन में यूज नहीं कर पाओगे ठीक है अब आपको ये भी पता है कि वन डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल्स तो आपको क्या बात करना है कि फोर एट सिक्स टू पॉइंट फोर जूल इज इक्वल टू हाउ मच दैट्स इट आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूं दो जीरो हंड्रेड वन इज इक्वल टू हंड्रेड तो यहां पर हम लोग यहां सिंपल सा आप देखो दो जीरो लगाए हैं तो इसका मतलब दो हटा दो यानी फोर एट पॉइंट सिक्स टू ये फोर्टी एट पॉइंट सिक्स टू दैट्स इट ये हमको आसानी से समझ में आ गया ऐसे अदरवाइज यू कैन डू विद्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो आपके पास वी टू माइनस वी वन अब आपको डब्ल्यू दिया है फोर्टी एट पॉइंट सिक्स टू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल तो आपको निकालना है वी टू माइनस वी वन कितना है तो आपको ट्वेंटी सॉरी थर्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव सो ट्वेल्व और वो भी माइनस ट्वेल्व सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस तो ट्वेल्व पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्टी एट पॉइंट सिक्सटी टू इफ वी गो विथ दी एक्सटर्नल वैल्यू पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वॉट आप इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 12, फोर ऑलमोस्ट uh, हम लोग बात करेंगे फोर पॉइंट समथिंग वाला आंसर ठीक है लेट हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार ठीक है तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे अब हमारे पास ये हम लोग फोर्टी uh, एट का हमने निकाल लिया था आंसर किताब में ना बहुत लंबा चौड़ा करके दिया है बहुत सिंपल वे में ध्यान में रखना कि वन जूल इज इक्वल टू कितना है ना तो ये सबसे सिंपल तरीका है आपके सामने ध्यान में रखने का वन डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू हंड्रेड जूल दैट्स इट आप उसको अगर कर लो तो आसानी से समझ में आ जाएगा एंड द अल्टीमेट आंसर इज 4.052 एंड वी आर आल्सो ऑन द सेम ट्रैक कि हमारा 4. समथिंग आंसर है दैट्स इट दिस इज द वे टू थिंक एंड डू द कैलकुलेशन सो इस वे से मुझे कैलकुलेशन बगर ये ध्यान में रखना कि आपको ये किस में दिया है ये जूल में दिया है और ये आपको डीएम क्यूब में दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू दिस तो तब तक आपका काम नहीं होगा ओके नाउ लास्ट प्रॉब्लम हम लोग आ, यहां मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है एंड यू हैव टू डू बायर सेल ओके ये प्रॉब्लम आपके सामने है कि 200 हंड्रेड एम एल इथिलीन गैस है ना सो यू हैव टू थिंक अबाउट इथिलीन स्ट्रक्चर uh, पहले मैं बता दो इथिलीन गैस रिएक्ट विथ वन फिफ्टी एम एल ऑफ एस सी एल गैस और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है तो लेट मी फर्स्ट आपको बता दू इथिलीन गैस है ना तो इथिलीन का मतलब है डबल बॉन्ड रिएक्ट किसके साथ हो रहा है तो एच सी एल के साथ अब इसमें का H यहां जाएगा इस वाले कार्बन पे और Cl इस वाले कार्बन पे जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एल ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है अब इसमें क्या है कि ये 200 हंड्रेड एम एल था ये वन फिफ्टी एम एल है बट क्योंकि ये वन इज टू वन रिएक्शन है तो ये टू हंड्रेड एम एल तो कंज्यूम होने वाला नहीं है इसको आपको 150 फिफ्टी ही कंसिडर करना है ठीक है तो 150 फिफ्टी एम एल वन और आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है 150 फिफ्टी याद करो ये हमारा गैसियस लॉ था है ना गेस गैसियस लॉ वॉल्यूम जहां हम लोग बोलेंगे गैसियस रिएक्टन द विदियस दैट मीन टू गैसियस रिएक्टन कंबाइन टू यील्ड अ हीस प्रोडक्ट तो, तो वॉल्यूम प्रपोर्शन में होते हैं उनके तो ये इस वे से हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा सो टोटल वॉल्यूम यहां पे था 300 सो रिएक्टेंट का दैट मीनस V1 300 है और प्रोडक्ट बना आपके पास V2 जो कि एक सौ बना दैट्स इट तो आपको V1 और V2 टू यहां से मिलेंगे बट इट इज गिवन इन एल आप देखो ये एम में दिए है और मैंने आपको एम का कन्वर्जन समझाया था यहां पर लेट्स कम विद कि जहां पे हमने एमएल का कन्वर्जन आपको समझाया था वन एम एल इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर क्यूब ऐसे हमने आपको बताया था ठीक है तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन डेसीमीटर क्यूब आप उसको डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब को और वो इक्वेशन आपको यहाँ लगाना है एंड इट इज गिवन इन अ बुक बुक पे आपको बुक में दिया भी है ये वाला इक्वेशन ठीक है कि हाउ टू कन्वर्ट एम एल टू डेसीमीटर क्यूब ये दिया है है ना तो लेट लेटिज बी हम लोग फिर से आपको यहाँ पे अगर uh, ये इसका फोटो मैं आपको भेज देता हूँ तो इससे आपको आसानी होगी तो अगर मुझे एम uh, को वन एम एल इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री डी एम है ना टेन टू पावर माइनस थ्री डीएम यानी इसका मतलब है अगर मेरे पास कोई चीज अगर uh, हम लोग एक लेते हैं तो यहां हम लोग पॉइंट वन लिखेंगे उसको डीएम क्यूब में ठीक है तो अगर आपके सामने यहां पर डीएम uh, क्यूब uh, में इसके मतलब टेन टू दावर माइनस थ्री लिखेंगे सॉरी अगर कोई वन है तो टेन टू दावर माइनस थ्री लिखेंगे अगर कोई यहाँ टेन है तो हम लोग यहाँ उसको कन्वर्जन कर देंगे पावर इधर आएगा तो टेन टू दावर माइनस टू हो जाएगा कोई यहाँ, uh, thousand तो थाउजेंड इज इक्वल टू वन डीएम क्यूब थाउजेंड एम एल इज इक्वल टू वन डीएम क्यूब थाउजेंड एम एल इज इक्वल टू वन डीएम क्यूब तो अगर ये ध्यान में रखो कि थाउजेंड एम एल इज इक्वल टू वन डीएम क्यूब थ्री हंड्रेड एम एल इज टू हाउ मच तो इस वे में आपको यहां पर कैलकुलेशन करना है तो ये कन्वर्जन मैंने आपको समझाए ये इक्वेशन और आपको ये वाला प्रॉब्लम अभी करना है कौन सा वाला जो हम लोग अभी देख रहे थे ये इक्वेशन वाला ठीक है सो दिस प्रॉब्लम यू हैव टू परफॉर्म बाय यूअर सेल्फ जिसका यहाँ आंसर भी दिया है बट आंसर में जाने के पहले हमको यहां देखना है कि हमने इसको वी वन वी टू निकाल दिया आपको एट वन बार प्रेशर दिया दैट मीन्स आपको प्रेशर भी दिया है वन बार का यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रेशर वन बार को हमको ध्यान में रखना है और दैट्स इट सिंपल हम लोग आंसर निकाल देंगे इसका ओके नाउ कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क तो शाला स्टॉप ओवर रही